फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं ये जो बास्केट अपना नया खरीद के लाई थी, मैंने जो कि शॉर्ट्स बना के डाला था, आज उसमें मैं कुछ प्लांट्स लगाने जा रही थी। और मैं प्लांट्स को भी खरीद के नहीं ले आई हूँ, अपने ही घर की प्लांट्स से मैंने कुछ कटिंग कट कर रखी थी, कुछ को मैंने छोटे ही पॉट में ग्रो कर रखा है, उनको मैं बास्केट में लगाने जा रही थी। तो मैंने सोचा दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने बास्केट में क्या प्लांट्स लगा रही हूँ, खरीद के नहीं, घर की ही कटिंग से अपने प्लांट्स मैंने तैयार किए हैं, मैं उनको बास्केट में लगाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने मिट्टी क्या तैयार करी है। सिंपल मिट्टी है, ये देखिए मैंने टब में पूरी मिट्टी तैयार कर रखी है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है थोड़ा, और गार्डन सॉयल है, और थोड़ी सी मैंने रेत मिला रखी थी इसमें। तो ये सारा मिक्सचर मैंने ये तैयार कर रखा है टब में, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मिट्टी है। और मिट्टी तो पता ही है कि मेरे घर के पीछे खेत है, मैं वहीं से लेके आती हूँ, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है वो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ अपने प्लांट्स दिखाती हूँ कि कटिंग से मैंने जो लगाना है। और हमेशा खरीद के ही प्लांट्स लाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट्स, सर हर एक प्लांट्स की कटिंग लग जाती है फ्रेंड्स, तो आप ट्राई करिए, हमेशा लग जाती है। सर्दियों में तो सारी कटिंग, आप कोई भी लगाइए, जो भी प्लांट्स आपके घर में, सब कटिंग लग जाती है। ये देखिए फर्न्स है, और ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये फ्यूसिया है, इसका बड़ा प्लांट्स देखिए ये मैंने लगा रखा है, काफ़ी बड़े गमले में है। इसकी कटिंग मैंने ये यहाँ पे छोटे से बॉटल में मैंने ग्रो की थी, वो ग्रो हो गई है। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू है, ये भी ऐसे ही ऑर्नामेंटल प्लांट है, काफ़ी अच्छी इनकी लीव होती हैं और ये बास्केट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये हैं आपके सारे शो वाले प्लांट हैं, सारे अच्छे लगते हैं ये बास्केट में। तो अब मैं इनको लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए वॉन्डरिंग ज्यू मेरा बहुत अच्छा हो रखा है, मैंने 2-3 जगह इसकी कटिंग लगाई थी। तो फ्रेंड्स, अब इनको मैं लगाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉट में अपने नए नए पौधे खरीद के लाइए लगाइए, थोड़े थोड़े मिट्टी मैंने पहले भी डाल रखा है। मैंने इन सारे में जितनी ये मिट्टी जो है ना, इनमें मैंने फंजीसाइड मिला रखा है कि फंगस ना लगे इनमें फ्रेंड्स। तो ये देखिए, और ये जब काफ़ी अच्छा भर जाएगा तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा प्लांट्स खरीद के ही लाओ, ये पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो आपके घर में बहुत सारे बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, उनकी कटिंग आप अपने घर में बड़े आराम से लगा सकते। ये है मेरा फर्न, ये देखिए इनको मैं ऐसे लगा दूंगी, और ये मेरे बास्केट में बहुत सुंदर ही लगेंगे। ये वाइट कलर का मैंने लिया है, और वाइट में ग्रीन कितना सुंदर लगेगा ना, कि वाइट पॉट अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है फ्रेंड्स। तो एक ये देखिए मेरा तैयार हो गया बास्केट, ये तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसको मैंने कई गमलों में कई जगह लगा रखा है। तो ये मैं लगाऊंगी। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है, कि मेरा पॉट जो है, बास्केट जो है वो वाइट है, और प्लांट्स कितने उभर के आ रहे हैं इनमें सब में। तो ये जब पूरा भर जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और दिसंबर जनवरी में आप कोई भी प्लांट्स की कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी, ये सारे मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा रखा था। तो मैंने सोचा अब मैं जब बास्केट लेकर के आई हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि पौधा खरीद के ही इसमें लगाओ, आपके घर में जो पड़े हैं आप उनसे ही अपना बास्केट तैयार कर लो, पूरा भर जाएगा ये तो, अच्छा भी बहुत लगेगा बालकनी में, अपने बाहर पीछे गार्डन है आपका या फ्रंट में, कहीं भी लगा लीजिए। तो मैं तो इनको बालकनी में लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने 4 तो लगा दिए, ये इसकी रूट काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं मेरे, सब डेकोरेटिव पीस हैं, फ्लावर किसी में नहीं आने हैं, बस एक में फ्लावर आएंगे, ये है फ्यूसिया, ये तो इसको भी मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ट्राई करते हैं, ग्रोथ हो जाएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, नहीं होगी तो भी मैं दिखाऊँगी। बहुत सुंदर इनका फ्लावर होता है, बिल्कुल बेल जैसे नीचे को लटकता है, डबल शेड में होता है। तो देखते हैं कटिंग्स फ्रेंड्स, आप कभी भी लगाइए, सर्दियों में लगाइए या बारिश के मौसम में लगाइए, सारी अच्छी ही ग्रोथ होती है, तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र अभी इसमें कुछ नहीं डालना है, मैं बस इसमें थोड़ा बस वाटरिंग कर दूँगी थोड़ा थोड़ा, और इनको शेड के नीचे रखेंगे अभी थोड़े दिन के लिए, फिर इनको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। ये सारे शो पीस वाले प्लांट हैं, बहुत
अच्छे लगेंगे। मुझे तो अपना वाइट बास्केट ही बहुत पसंद आया, क्योंकि वाइट में ना सारे प्लांट्स बहुत ही उभर के आ रहे हैं। तो अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा बस पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना डाल दे कि मिट्टी बैठ जाए इनकी। तो इन सबकी ग्रोथ जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी अगर बहुत सारे प्लांट्स हो रखे हैं और आपके कुछ गमले खाली हैं और नहीं हैं, तो बास्केट ले आइए और ऐसे सुंदर सुंदर प्लांट्स अपने घर में लगा लीजिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।